नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। हटा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीएम राइज की भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए जाने से नाराज छात्राओं का गुस्सा आज प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। नाराज छात्र छात्राओं ने दमोह नाका पर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र छात्राओं के प्रदर्शन से दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पूरी तरह से बाधित है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का आरोप है, स्कूल की भूमि पर मुख्य मार्ग में अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया, जिससे दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी हुई है। वहीं विद्यालय की भूमि पर तलैया के पास बनी मजार का विस्तारीकरण कार्य कर उसे मस्जिद का रूप दिया जा रहा, जिसका निर्माण कार्य बंद कराया जाए, साथ ही स्कूल परिसर के पास फैले सभी अतिक्रमण को हटाया जाए। पूर्व में भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर सहित एसडीएम तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, लिहाजा आज स्कूली छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू किया है, जो जारी है। छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की सूचना पर हटा थाना पुलिस मौके पर पुलिस मौजूद है। जिला ब्यूरो संतोष सिंह ठाकुर। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देके अवगत कराया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रातों रात बाबा साहब की तलैया कहाँ, जो स्कूल की जमीन पर मझार थी, उसमें रातों रात मस्जिद का निर्माण हो रहा है, अभी तक ना कोई कार्रवाई हो रही है ना कुछ। हर बार प्रशासन उन पर रोक लगा के काम रोक दिया जाता है, परंतु फिर भी रातों रात वो अपनी मस्जिद को पुनः बड़ा रूप दे रहे हैं, जिससे वहाँ पर 4-5 स्कूल है, नमोदा विद्यालय भी है, सीएम राइज स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, बजट में अगर वहाँ मस्जिद निर्माण होगी तो हम लोग को डिस्टर्ब होगी, छात्र अपनी पढ़ाई कैसे कर सकेंगे। मुख्य रूप से जो स्कूल परिसर है और उसके आसपास जो अतिक्रमण हुआ है उसको लेकर बच्चों ने सूचना दी है। मामले में पूर्व से तहसीलदार के कोर्ट में अतिक्रमण संबंधी एक प्रकरण प्रचलन में है और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद संपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसी जानकारी आई है कि वहाँ पे स्टे लगने के बाद भी परसों रात में काम लगा हुआ था। अगर स्टे लगने के बाद अगर कोई कार्रवाई हुई है, अगर हुई है तो पुनः उसकी जांच की जाएगी, और अगर ये बात सही पाई जाती तो 188 की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन द्वारा जब प्रशासन को लिखित में आवेदन दिया गया था अतिक्रमणकारियों को हटाने का, तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रशासन द्वारा तुरंत सख्त कार्रवाई की गई है, तुरंत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जैसे ही व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं स्थगन जारी किया गया है। और ये बात मानकर चलिए कि अगर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी।